हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ग्रेट टू ऑल, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस ऑनलाइन क्लासेस थ्रू फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल एट जी आर कुमार सर इंग्लिश ट्यूटर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट सेकेंड। You know, we have discussed in the part first about the subject verb agreement, and in that video we have discussed some rules and some examples through which how to use correct verb according to the subject. So let's start. We go further and starts the coming new rules and explain it and also understand it. Subject verb agreement part second, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए मित्रों, हाँ एक बात जरूर है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज मिलते रहें। देखिए रूल के अंतर्गत जब दो सब्जेक्ट विद अलोंग विद टुगेदर विद हेडेड बाय कंट्रोल बाय फॉर्म्ड बाय गवर्न्ड बाय यानी शासित होना, किसी के द्वारा शासित होना, किसी के द्वारा निर्माण होना, किसी के द्वारा कंट्रोल बाय यानी किसी के द्वारा कंट्रोल होना, तो इस प्रकार के टू लेड बाय यानी नेतृत्व करना, बिसाइड्स एज वेल एज इन एडिशन टू, अगर इन जो कंजक्शन है इनसे अगर कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जो उसके बाद में जो आने वाली वर्ब है वो वर्ब होगी, वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। पहला सब्जेक्ट अगर फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट इफ प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल आएगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, अगर इन कंजक्शन से जुड़ा हुआ दो सब्जेक्ट है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आएगी। देखिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे समक्ष एक एग्जाम्पल है, मोहन अलोंग विद हिज फ्रेंड। अब मोहन अपने दोस्तों के साथ में, अब यहाँ हैज आएगा कि हैव आएगा, रीच्ड देयर। देखो यहाँ पर मोहन है, नियम क्या कह रहा है, पहले सब्जेक्ट के अनुसार पहला सब्जेक्ट मोहन है, अलोंग विद से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद में उसके दोस्त है, ये प्लूरल है, फ्रेंड्स है, तो यहाँ पर आना चाहिए फ्रेंड्स और ये मोहन, तो इस हिसाब से ज्यादा हो जाते, लेकिन नहीं, अलोंग विद से जुड़ा हुआ है और फर्स्ट सब्जेक्ट मोहन है, तो इस नॉर्म्स के अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। यहाँ हैव करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल हमारे समक्ष है, जिसमें द प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डूइंग वेल। अब देखो द प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल, अब यहां पर डिफरेंट आ रहा है, सॉरी फॉर्म्ड बाय आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में द प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहां पर हमें फॉर्म्ड है प्रेजेंट गवर्नमेंट, यहां पर सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सिंगुलर है, जब गवर्नमेंट एक बॉडी होती है तो उसमें इसका प्रयोग होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल्स देखिए कि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अगर अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ हो इसमें से कोई, उसके बाद में आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा और उसके बाद में आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। इस बात का थोड़ा सा माइंड में सेटअप कर लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहां पर हैज या हैव का प्रयोग करना है, हैज या हैव है,
तो हम किसका प्रयोग करेंगे, देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउन प्लूरल आ गया, और लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके बाद में हम हैव का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हैव नाउन भी प्लूरल आएगा, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ है, लार्ज नंबर ऑफ के बाद में वह भी नाउन भी प्लूरल और वह भी प्लूरल होगी। अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, अ लार्ज ऑफ नंबर और उसके बाद में नाउन आया वो प्लूरल है, और उसके बाद में वाज या वर में से किसका प्रयोग करना है, तो इसमें वाज नहीं होगा, क्या होगा, वर होगा। वर क्राइंग देयर एट द टाइम ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट के समय वहां पर कई संख्या में जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, बड़ी संख्या में जो बच्चे थे वो क्राइंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। हाँ एक बात का ध्यान रखना, अगला नियम ये है, लेकिन लेकिन यहां पर ध्यान रखने योग्य बात है, द नंबर ऑफ है, अगर द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ है तो इसके बाद में तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल तो नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो ध्यान रखना अगला नियम ये कहता है कि लेकिन जब द नंबर ऑफ के बाद में, द नंबर ऑफ के बाद में जब जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन प्लूरल नाउन के बाद में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। इस बात का थोड़ा अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ के बीच में डिफरेंस है, इसका ध्यान रखना है। तो द नंबर ऑफ के बाद में वर्ब सिंगुलर आएगी, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज या हैव, यहां क्या आएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव या हैज रीच्ड देयर टू हैव वॉच्ड, शॉर्ट एग्जांपल ले लेते हैं, वॉच्ड मूवी। अब यहां पर हैव आएगा कि हैव आएगा, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया है द नंबर ऑफ है तो इसके बाद में हमेशा नाउन प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। नेक्स्ट, यदि किसी वाक्य में अदर एंड एनोदर में से कोई किसी शब्द का यूज हुआ है तो उसके बाद में नाउन या वर्ब आए तो अदर के बाद जो वर्ब नाउन आएगा वो प्लूरल होगा और वह भी प्लूरल होगी। इस बात का देखो, और अगर एनोदर शब्द आए, दो शब्द आपके पास में, एक तो है अदर और दूसरा है एनोदर, जब अदर शब्द अगर वाक्य में यूज होता है तो अदर के बाद में आने वाला नाउन और वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, और अगर एनोदर शब्द है तो एनोदर के बाद में जो वर्ब और नाउन होगा वो क्या होगा, दोनों सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। डिफरेंस स्पष्ट होना चाहिए, अदर के बाद में नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आएगी, जबकि एनदर के बाद में नाउन और वर्ब सिंगुलर होगी। देखिए, देयर आर सो मेनी अदर होटल्स, अब यहां पर अदर है तो अदर के बाद में होटल्स होगा ना कि होटल होगा। Better than this. उसके बाद में next है other. अब यहां पर other शब्द है तो other के बाद में m e n, ये singular है तो ये singular नहीं होगा, m e n होगा, क्योंकि आपको singular and plural part समझाया था तो उसमें man का जो plural होता है वो m e n होता है, तो यहां पर m e n होगा man। अब इसके बाद में is होगा कि are होगा, are होगा, क्योंकि अदर है, अदर के बाद में नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी, तो अदर मैन आर थिंकिंग अबाउट
इट। उसके बाद में एनदर होटल, अब यहां होटल्स होगा कि होटल होगा ये ध्यान रखने की बात है, हमारे कंसेप्ट एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि एनदर के बाद में जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, तो होटल ही आएगा। होटल इज या आर की जगह इज आएगा, इज नियर द रेलवे स्टेशन। एनदर होटल इज नियर द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट रूल्स के तहत यहां पर समझने की बात है कि दो शब्द है, मोस्ट ऑफ और हाफ ऑफ। तो मोस्ट ऑफ और हाफ ऑफ के बाद में अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वो काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा और उसके बाद में आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। और यदि मोस्ट ऑफ या फिर हाफ ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन होता है, अब ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन मैंने नाउन पार्ट में सब चीजें स्पष्ट करी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप स्पष्ट कर लीजिए, एक बार उस वीडियोस को देख लीजिए कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये है जो दोनों अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर मोस्ट ऑफ और हाफ ऑफ के बाद में होते हैं तो उसके बाद में जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा ही, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो नेक्स्ट हम इस कंसेप्ट को स्पष्ट करने के लिए यहां पर एग्जांपल्स देखते हैं। मोस्ट ऑफ एप्पल्स, अब ये मोस्ट ऑफ आया इसके बाद में एप्पल आया, तो एप्पल क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो इसकी ये प्लूरल होगा, राइट है। उसके बाद में वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, तो प्लूरल इज ना होगा कि क्या होगा, आर रोटन, यानी कि ज्यादातर जो शेप थी वो क्या हो गई थी, रोटन हो गई थी, यानी कि सड़ गई थी, सड़ गई है। मोस्ट ऑफ द पर्संस, मोस्ट ऑफ द पर्सन, पर्सन भी काउंटेबल की श्रेणी में, इसलिए राइट है कि ये प्लूरल है। उसके बाद में वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, और यहां पर इज की नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द मिल्क, यानी ज्यादातर जो दूध था, अब दूध क्या होता है, दूध मटेरियल नाउन है तो ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, अब अनकाउंटेबल है तो उसके बाद में आने वाली वर्ब भी क्या होगी, उसके बाद में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। जब सब्जेक्ट नाउन सिंगुलर है तो उसके बाद में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो यहां पर वाज होगा, वर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे समक्ष एक और एग्जांपल है, हाफ ऑफ द लैंड, हाफ ऑफ द लैंड, अब लैंड है, धरती है, जमीन है, इसको गिन नहीं सकते, या गिन सकते है? ये एक मुट्ठी भरी, ये एक धरती, ये दो रेत, ये तीन रेत, ऐसा होता है क्या, नहीं ना, नहीं होता है, इसको हम रेत को गिन नहीं सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो उसके बाद में आने वाली वर्ब क्या होगी, अनकाउंटेबल वर्ब होगा, ना कि वर होगी। तो हाफ ऑफ द लैंड यानी जो जमीन है उस जमीन का आधा भाग क्या हो गया, कल्टीवेटेड कर दिया, कल्टीवेटेड का मतलब होता है जोतना, भूमि को जोतना, एंड हाफ वर या वाज अनकल्टीवेटेड, और उसमें से आधी क्या है, अनकल्टीवेटेड है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर द नाउन, द डिसेबल, द यंग, द इंडियन, द अमेरिकन, अगर किसी शब्द नाउन को यूज करने से वो अगर उस पूरी प्रजाति या जाति का क्लास का बोध कराता हो, तो ऐसे जो शब्द है जो पूरी जाति का बोध कराते हैं वो, तो उनके साथ में जो आने वाली वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, क्योंकि यहां समझने की बात है द पुअर है तो वह अपने आप में प्लूरल हो गया, पूरी पुअर यानी गरीबी को शो करता है, पूरी गरीब जाति को शो करता है, तो अपने आप में प्लूरल हो गया द का यूज करने से, और इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी प्लूरल होगी। देखिए यहां पर
द पुअर यानी जो गरीब होते हैं, ट्रस्टवर्थी यानी वो विश्वास के लायक होते हैं, तो यहां पर इज ना होकर के क्या होगा, आर होगा, द पुअर पुअर आर ट्रस्टवर्थी। द रिच यानी जो धनवान लोग होते हैं, वो धनवान लोग क्या होते हैं, इज या आर जनरली अनकाइंड टू द पुअर, वो सामान्यतः गरीबों के प्रति अनकाइंड होते हैं, मतलब इतना दया भाव इतना गरीबों के प्रति नहीं रखते हैं। तो यहां पर द रिच आर होगा ना कि द रिच इज होगा, तो यहां पर ये सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होगी, क्योंकि जो ये द रिच है ये पूरी जो अमीर जाति को शो कर रहा है। उसके बाद में द इंडियन इज आर हार्ड वर्कर, अब जो इंडियन लोग होते हैं वो क्या होते हैं, आर हार्ड वर्कर, यानी भारतीय क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। तो ये पूरी भारतीय समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भारतीय समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पूरे प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब भी इनके साथ में इसके बाद में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो, किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो, और जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो और दोनों नाउन नो से स्टार्ट हो, तो उसके बाद में जो आने वाली वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। देखिए जैसे नो बॉय एंड नो गर्ल, वाज होगा कि वर होगा, वाज होगा, यहाँ पे दोनों ये नाउन और ये नाउन दोनों से पहले नो का यूज हुआ है, इस वजह से इसके बाद में आने वाली वर्ब भी होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, इसलिए वर नहीं होगा वाज होगा, वाज प्रेजेंटेड इन द पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी किसी वाक्य में जेरंड इन्फिनिटिव या फिर फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, जेरंड एंड इन्फिनिटिव वर्क एज ए नाउन, अब ये नाउन की तरह काम करते हैं, तो जेरंड जो इन्फिनिटिव होते हैं जब वो नाउन के रूप नाउन की तरह काम करते हैं, तो और जब इनका सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, तो जब सब्जेक्ट में प्रयोग होते हैं तो इसके बाद में वर्ब जो आएगी वो हमेशा सिंगुलर प्रयोग की जाएगी। जैसे देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना क्या है, इज होगा क्या आर होगा, आर नहीं होगा, इज होगा, इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग क्या है, गुड एक्सरसाइज है, यानी तैरना एक अच्छा अभ्यास है। टू वॉक यानी चलना, टू वॉक यानी चलना, इज होगा कि आर होगा, इज होगा, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, यानी चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो टू वॉक क्या है, यहाँ पर जेरंड है तो जेरंड के बाद में क्या, या फिर इन्फिनिटिव कह सकते हैं, तो इन्फिनिटिव के बाद में जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर आएगी और ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। देखिए, हाउ टू स्विम एक ये फ्रेज है, हाउ टू स्विम यानी कैसे तैरें, किस तरह से तैरना है, एक तरह का ये क्या है, फ्रेज है। हाउ टू स्विम इज या आर, इसमें इज आएगा, आर नहीं आएगा, तो हाउ टू स्विम इज अ बिग क्वेश्चन, कैसे तैरना यह एक बड़ा प्रश्न है। नेक्स्ट, जब कोई नाउन यूज होता है और उस नाउन के सेंटेंस में नाउन के बाद में प्रेपोजिशन आए और यही नाउन वापस रिपीट हो जाए, यानी कि दो नाउन के बीच में एक प्रेपोजिशन आए, दोनों नाउन वही एक ही हो, यानी कि दोनों नाउन सेम हो, रिपीटेशन हो एक नाउन का दूसरी बार वापस और बीच में प्रेपोजिशन आता है, तब ऐसी स्थिति में हमें किस बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों नाउन्स का कभी प्लूरल नहीं होगा, यानी कि दोनों नाउन सिंगुलर ही रहेंगे, इनके साथ एस या ई एस या इस प्रकार का प्लूरल का फॉर्म नहीं होगा। दूसरी बात, जब ये किसी वाक्य का सब्जेक्ट बन जाते हैं तो वर्ब हमेशा इनके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब भी सिंगुलर होगी, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मैन आफ्टर मैन, अब ये कंजक्शन है, सॉरी प्रेपोजिशन है, अब इस प्रेपोजिशन के पहले और बाद दोनों नाउन है, राउ नाउन का रिपीटेशन है,
तो ये दोनों देखो प्लूरल है, तो ये प्लूरल है ये सही नहीं है। यहाँ क्या करना पड़ेगा, एम ए एन और ये एम ए एन, मैन आफ्टर मैन। अब यहाँ पर मैन आफ्टर मैन वाज कमिंग देयर, यानी आदमी के पीछे आदमी, बहुत सारे लोग वहां पर आ रहे थे। ही बेग्स, ही अब बेग्स फ्रॉम, ही बेग्स फ्रॉम डोर्स टू डोर्स। यहां पर अब डोर्स टू डोर्स लिखा हुआ है, दरवाजा दरवाजा नहीं, ये यहां पर नहीं होगा, ये एस नहीं लगेगा क्योंकि ये सिमिलर, ये राइट कैटेगरी में चला जाएगा इस प्रकार से, अगर अब हमने इसको सही माना तो, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल्स ये कहता है कि कुछ नाउन्स जैसे लगेज है, सामान होता है, जैसे एडवाइस यानी सलाह, नॉलेज यानी ज्ञान, इक्विपमेंट यानी उपकरण वगैरह, वर्क, ट्रैफिक, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, अब ये म्यूजिक है, प्रोग्रेस है, वेदर यानी मौसम है, नॉन सेंस है यानी बकवास वगैरह, जो सेंस यानी मानसिक रूप से जिसको हम कहते हैं, जिसको क्या कहेंगे, जो सेंस यानी भावना होती है, ये शब्द होते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल है। ये जितने भी आप शब्द हैं, ये वर्ड्स क्या है, अनकाउंटेबल है। और जब अनकाउंटेबल है तो इससे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, ये हम अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन में ये चीजें पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में जो वर्ब होगी वो वर्ब भी सिंगुलर होगी, जैसे ये शब्द इसमें से कोई, जैसे ये वर्क है तो वर्क्स नहीं होगा, ये एस नहीं आएगा, वर्क इज वर्सिंग, ये शब्द सिंगुलर है, इसके बाद में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। नेक्स्ट हिज बिहेवियर्स, अब हिज बिहेवियर्स नहीं होगा, बिहेवियर होगा, हिज बिहेवियर वाज होगा ना कि वर होगा, वाज नॉट प्रॉपर, उसका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं था। योर नॉलेज, नॉलेज इज नहीं होगा, योर नॉलेज होगा, तो योर नॉलेज आपका ज्ञान है वो क्या है, इज प्रेजेबल या आर प्रेजेबल, इज प्रेजेबल होगा, क्योंकि नॉलेज के हिसाब से इज प्रेजेबल यानी प्रशंसनीय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर विद अदर्स, थैंक यू, बाय बाय।